अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने औद्योगिक क्षेत्र चौराहा का भ्रमण किया। उन्होंने 3 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि रीवा में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। रीवा बनारस तथा मुंबई में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर में स्थित है। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के लिए आधुनिक वेयर हाउस निर्माण की अच्छी संभावना है। रीवा में गेहूं, धान तथा अन्य कृषि उत्पादों का अच्छा उत्पादन होता है। कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास से रीवा को नई पहचान मिलेगी। इसके लिए उद्योगपतियों तथा किसानों को मिलकर प्रयास करने होंगे। किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल लगाएं तथा उद्योगपति उस फसल की प्रोसेसिंग करके उसका दाम कई गुना बढ़ा दें। कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले में नई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। चौराहा के बाद मऊगंज तथा गुड़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घूमा कटरा में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया है। हनुमना के आसपास भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। शासन की कई योजनाओं में उद्योग लगाने के अच्छे अवसर हैं। अब रीवा का वातावरण बदल गया है। रीवा में प्रतिभा और परिश्रम की कमी नहीं है। हम सब मिलकर रीवा के विकास की नई इमेज बनाएंगे। कलेक्टर ने सबसे पहले पॉली बैग बनाने वाली ओम साई राम प्लास्टिक बैग इकाई का निरीक्षण किया। उद्योग के संचालक मोहित टंडन ने इकाई के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इकाई से लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनकी इकाई में बनाए गए प्लास्टिक बैग का उपयोग सीमेंट की पैकिंग में किया जा रहा है। इसके बाद कलेक्टर ने यस राइस मिल का निरीक्षण किया। मिल के संचालक अनिल बुधवानी ने राइस मिल की कठिनाइयां तथा संभावनाओं के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले में चावल की किसी एक ब्रांड को सभी राइस मिलर्स प्रमोट करें। किसानों से भी संपर्क कर अच्छी किस्म के किसी एक धान के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बाजार में एक बार ब्रांड स्थापित हो गया तो राइस मिल उद्योग का तेजी से विकास होगा। इसके बाद कलेक्टर ने गुरमीत सिंह साहनी द्वारा संचालित सिग्नेट कंडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इकाई का निरीक्षण किया। इस इकाई में तांबे के तार तथा आयुधों का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण के समय कलेक्टर के साथ रहे जिला महाप्रबंधक उद्योग यूवी तिवारी ने औद्योगिक इकाइयों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है।